Chapter 9, Biomolecules, Class 11, NCERT, Topic 9.7, Structure of Proteins. Protein, जो mention है earlier कि वो सब heteropolymers है, contain करता है a string amino acid का string contain करता है, अच्छा. और structure of molecule, मतलब कि different thing हो सकता है, different context में, okay. जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर है वो इनवेरिएबली रिफर करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे कि NaCl, MgCl2 और सभी. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के व्यू से देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट जो है ये सबको राइट करते हैं टू डायमेंशनल व्यू से ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइल रिप्रेजेंटिंग द वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि बेंजीन, नेफ्थलीन, ईटीसी. और फिजिक्स जो हैं वो कंज्यूम अप करते हैं थ्री डायमेंशनल व्यू को ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का थ्री डायमेंशनल व्यू वो लोग करते हैं जबकि जो बायोलॉजिस्ट रहते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को चार लेवल पे. तो जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का जो कि है पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन जो कि पहला है अमीनो एसिड और जो कि क्या लिखा हुआ है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो कि है पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन जो कि है पहला अमीनो एसिड जो कि सेकंड है और भी बहुत सारा है ये सबको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. समझ नहीं आया कि द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो कि द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन. अच्छा सीक्वेंस जो होता है अमीनो एसिड का जिसको हम लोग पोजिशनल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं प्रोटीन में तो वो सब हो सकता है कि फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड और इसी तरीके से बहुत सारा हो सकता है. तो इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कह देंगे. फिगर 9.3A में देख सकते हैं इसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन कह देंगे. अच्छा ए प्रोटीन को हम लोग इमेजिन कर सकते हैं एक लाइन से कि लेफ्ट एंड उसका रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट अमीनो एसिड से और राइट एंड रिप्रेजेंट होगा लास्ट अमीनो एसिड से. जो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है और जो लास्ट अमीनो एसिड है उसको सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कहा जाता है. जो प्रोटीन थ्रेड है वो नहीं एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड. रिजिड क्या कह रहा है ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड. ओ प्रोटीन का जो थ्रेड होता है वो नहीं एग्जिस्ट करता है एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह. ठीक जो थ्रेड है वो फोल्डेड रहता है हेलिक्स के फॉर्म में. हेलिक्स मतलब कि एक रिवॉल्विंग स्टेयरकेस की फॉर्म में जैसे कोई सीढ़ी है वो जो घुमा हुआ जैसे सीढ़ी नहीं रहता है वैसा. और ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन जो रहता है प्रोटीन थ्रेड का वो अरेंज रहता है हेलिक्स के फॉर्म में और प्रोटीन में मात्र राइट हैंडेड हेलिसेस ऑब्जर्व होता है ऑब्जर्व है और अदर रीजन जो है प्रोटीन थ्रेड का वो फोल्डेड रहता है इनटू अदर फॉर्म और दूसरे फॉर्म में फोल्डेड रहता है. और इन व्हाट हम लोग इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं फिगर 9.4B में देख सकते हैं. और इन एडिशन जो लॉन्ग प्रोटीन चेन जो होता है वो भी फोल्डेड होता है अपने ही के साथ जैसे कि हॉलो वुलन बॉल ऊन का गोला की तरह. ठीक और ये इसको हम लोग ये
राइज करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर. ओके, इससे एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है. तो यही था. और ये गिव, ये सब ये गिव करता है थ्री डायमेंशनल व्यू प्रोटीन का. टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है बहुत सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए. कुछ प्रोटीन तो जो होता है असेंबली ऑफ मोर देन एक पॉलीपेप्टाइड या फिर सब यूनिट का होता है. और जो मैनर होता है जिसमें ये सब इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट जो है अरेंज रहता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे कि लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फेयर्स, स्फेयर्स अरेंज्ड वन अपॉन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब और प्लेट, वो सब आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोटीन रहता है. अदरवाइज उसको हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह सकते हैं. मतलब कि क्या था कि द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड जो जिस मैनर में एक एक पॉलीपेप्टाइड जो जिस मैनर में फोल्डेड रहता है या सब यूनिट में अरेंज रहता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये सब ऐसा आर्किटेक्चर जो प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा आर्किटेक्चर बन जाता है, उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. अडल्ट ह्यूमन का जो हेमोग्लोबिन होता है वो चार सब यूनिट्स कंसिस्ट करता है. दो तो उन लोग का आइडेंटिकल होता है एक दूसरे से, और दो जो होता है वो अल्फा टाइप रहता है और दो बीटा टाइप एक साथ रहता है. वो ह्यूमन हेमोग्लोबिन को बनाता है. तो टॉपिक नंबर 9.7 यहीं पे ख़त्म होता है. यहीं पे समाप्त होता है.